हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा, मेरे पीछे आपको जागरण जोश का एक आर्टिकल नजर आ रहा होगा, जहां पे लिखा हुआ है सीबीएसई क्लास 12th बिजनेस स्टडीज एग्जाम पैटर्न 2024 विद मार्किंग स्कीम एंड टॉपिक वाइज वेटेज। तो भैया देखो, ये आर्टिकल है मेरे पीछे एंड यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि भैया 2024 के होने वाले बोर्ड एग्जाम में बिजनेस स्टडीज में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी एंड टॉपिक वाइज वेटेज भी बताया जा रहा है, यानी कि एक टॉपिक कितने नंबर का आएगा, और यही जानकारी हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाती है। तो चलिए इस जानकारी में आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं। तो देखो यार, ये जागरण जोश का टॉपिक है, आज का आर्टिकल है। अब देखो यहां पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है, मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है कि भाई, ये आर्टिकल आपको नजर आ रहा है ना कि देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द फाइनल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। लिखा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं बचा है एंड स्टूडेंट्स इन द क्लास शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स, और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो आप समझ रहे हो, सारे दुनिया में सारे लोग आपको यही बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन शुरू करनी है। ठीक है, तो क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम है, आपका इतना लंबा स्कूल जर्नी आप खत्म हो रहा है, तो अच्छे से खत्म हो, ये सबका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। और इसीलिए आपको कहा भी जाता है कि भाई इस साल बोर्ड है, इसीलिए कहा जाता है ताकि आप थोड़ा सीरियस लें एंड पढ़ाई को अपने दमदार तरीके से शुरू करें। अब देखो यार, लिखा भी हुआ है कि भैया एग्जाम के बारे में समझ लीजिए ताकि आपको पैनिक ना हो, ठीक है, लास्ट मिनट पैनिक ना हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40-50% के हैं, एमसीक्यूज 20%, भाई ऑब्वियस सी बात है 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर आपको मिल जाएंगे वाइवा से, बाकी बचा 80 नंबर में भैया देखा जाए तो 20% जो है आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 40% के आ जाएंगे, ठीक है भाई, इतना तो हमको भी पता था, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें आपको भी पता था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन आई थी तो चैनल पे मैं आपके लिए लेके भी आया था, है ना, तो ये सारी चीजें तो अपन को पता थी। ज्यादा जानकारी हमें क्या चाहिए कि बिजनेस स्टडीज में टॉपिक वाइज क्या वेटेज होने वाला है, क्या ये लोग कह रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं यार, ठीक है। देखो, सिलेबस आपको पता है, डिलीटेड सिलेबस आपको पता है कि भैया मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहे हैं, एलपीजी पॉलिसी नहीं आ रही है, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग नहीं आ रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर जो सीयूटी में आ रहा है बट क्लास 12th में नहीं आ रहा, तो वो सारी चीजें भी आपको पता है। सैंपल पेपर आपको कहां मिलेगा, cbse.gov.in की वेबसाइट पर मिलेगा, बता चुका हूं इसी चैनल पर, नहीं तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं यार कि इनका और क्या जानकारी दे रहे हैं। आपका बोर्ड क्या है, सीबीएसई, एग्जाम मोड ऑफलाइन, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, मीडियम इंग्लिश हिंदी, ड्यूरेशन 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 100, थ्योरी पेपर 80, प्रोजेक्ट वर्क 20, ये सारी चीजें आपको भी पता है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि भाई टॉपिक वाइज वेटेज पे आते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा वाइटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला जो इन्होंने पार्ट ए लिया है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरमेंट, ये तीन चैप्टर इन्होंने 16 नंबर के रखे हैं। कितने नंबर के रखे हैं, 16 नंबर के रखे हैं। मान के चलो कि लगभग 5-5.5 नंबर का हर चैप्टर का वेटेज है, ठीक है, 5, 3 या 15, एक नंबर और लगा लो, 5.5 कर लो, 5.5 नंबर का वेटेज आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा हर चैप्टर से। इसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये दो चैप्टर से आना है 14 नंबर का, यानी कि ये दो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 7 और 7 का प्लानिंग, 7 का ऑर्गेनाइजिंग, ये आने वाला है। अच्छा, आप लोग साथ में इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके इसको अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लो। उसके बाद भैया ये आ गया मतलब महा चैप्टर आपका, स्टाफिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से 20 नंबर का पेपर आने वाला है। आप 20 नंबर का मतलब समझ रहे हैं भैया, ये लगा लो कि लगभग 6.5 नंबर का पेपर, 6.5 नंबर आपको स्टाफिंग से, 6.5-7 नंबर आपको डायरेक्टिंग से, और 5-6 नंबर आपको कंट्रोलिंग से मिलने वाले हैं, ठीक है। मेरे अनुमान से मैं आपको बता देता हूं, 20 में से 7 नंबर का डायरेक्टिंग, 7-8 नंबर का डायरेक्टिंग मान लो, 5-6 नंबर का स्टाफिंग मान लो, बाकी 4-5 नंबर का आप कंट्रोलिंग मान लो। तो ये तो हो गया भैया आपका पार्ट ए, दैट इज प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, साथ में नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखो, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग की बात किया जाए तो भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, अगेन इन्होंने 15 नंबर का रखा हुआ है, 7.5 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 7.5 का फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हैं, तो तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात किया जाए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो वो भी ये 15 नंबर का बता रहे हैं।
मार्केटिंग आप मान लो आएगा 10 नंबर का और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5 का मान लो। मार्केटिंग में 10 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे 3 चैप्टर मार्केटिंग के अंदर आ जाए, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मार्केटिंग की फिलोसफीज मार्केटिंग क्या होती है मार्केट क्या होता है ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, अब टोटल जो ये आपका बनता है ये 80 नंबर का पेपर बनता है और प्रोजेक्ट वर्क तो आपको बताइए कि भैया आपका 20 नंबर का है, वाइवा 20 नंबर का होना है, टोटल आपके 100 नंबर यहां से निकल के आते हैं। और कुछ लिखा है? अच्छा, तो ये तो हो गया आपका टॉपिक वाइज वेटेज। इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, आपको ये समझ लेना है कि बेटा अब यही समय है तैयारी करने का। वो बच्चा जो मार्च अप्रैल से पढ़ रहा है आप भी लगा लो कि उसका भी पेपर बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। एंड बिजनेस स्टडीज की बात किया जाए, अकाउंट्स की बात किया जाए, इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, ये तीनों सब्जेक्ट आपको डोमेन में भी लेने हैं सीयूईटी देते समय, तो आपको जो तैयारी है ना वो अपनी मजबूत करनी होगी। अब आप ये लगा लीजिए कि भैया जब आप बोर्ड्स देके सीयूईटी में जाओगे ना तो वो बच्चा जो ड्रॉप करके पढ़ाई कर रहा है ना इन सब चीजों की दोबारा दोबारा, उसके निकलने के चांसेस कितने हैं और आपके निकलने के चांसेस कितने हैं। ठीक है ना, अब ये जो चीजें हैं ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा वाइटल हो जाती हैं कि इस समय आप ये सारी चीजें देख रहे हैं कि आती जा रही हैं आर्टिकल्स वगैरह में, नोटिफिकेशन वगैरह में, तो पढ़ाई स्टार्ट कर देना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यार इन्होंने क्या बताया कि भैया डिजाइन क्या होगा पेपर का। तो चलो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि डिजाइन जान के आपको वैसे भी क्या करना है, आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज आती हैं, एमसीक्यूज आते हैं, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगती है, असर्शन रीजन लगते हैं, मैच द फॉलोइंग लगती है, फिल इन द ब्लैंक्स लगता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के एमसीक्यूज लगते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं भैया इन्होंने कहा है कि अपनी मेमोरी को यूज करके आप आंसर दोगे वो आपके मार्क्स आएंगे 44 नंबर का पेपर आएगा और परसेंटेज देखा जाए तो 55%। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, यानी कि रियल लाइफ प्रॉब्लम, कोई आपको सिचुएशन दी जाएगी केस स्टडी में, जैसे भी G20 समिट हुई थी ना तो G20 समिट का अगर कोई क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पे आपको नॉलेज फैक्ट और टेक्निक का इस्तेमाल करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन ये केस स्टडी की तरफ ही इशारा करते हैं। मार्क्स की बात किया जाए तो 19 नंबर और परसेंटेज की बात किया जाए 23.75%। एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, यहां पर आपको कहा जा रहा है कि भैया आपको इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। एनालाइजिंग का मतलब होता है बड़ी सी इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है, ये एमसीक्यूज को दर्शाते हैं जहां पे आपको अपना जजमेंट, अपने आइडियाज और अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे आंसर देना होगा। पूछते हैं ना क्वेश्चन में कि बताइए राजेश ने एक कंपनी में ज्वाइन किया, राजेश ने ऐसा 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 कहा और राजेश जो है कौन सी दो वैल्यूज अपनी कंपनी को देना चाहता है, मतलब राजेश ने कौन सी वैल्यू दी, ये हमें बताना है अपने फैक्ट और आइडिया के हिसाब से। ये हो जाता है आपका इतना। तो 17 नंबर का पेपर यहां से आएगा 21.25%। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 80 नंबर का, 100 नंबर का। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आप इतना समझ लो कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। पेपर का लेवल ऐसा होने वाला है कि आपको पढ़ाई के अलावा जो 3 घंटे आप पेपर में बैठोगे ना वहां पे आपको अपना दिमाग दौड़ाना है। पढ़ाई तो आपने 6 महीने कर ली, लेकिन वो जो 3 घंटे जब आप पेपर लिख रहे होगे ना वहां पे जो अप्रोच होगी आपको और बच्चों से बेहतर बनाएगी। और वो अप्रोच कैसी होनी चाहिए? एनालिटिकल स्किल्स वाली होनी चाहिए। ठीक है, आप रट के गए, रट के आंसर लिखा है, ऐसा नहीं होगा। आपको एनालिटिकल स्किल्स अपनानी पड़ेंगी, आपको सिचुएशन को क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। और इसके अलावा देखो फिर वही सारी चीजें लिखी हुई है कि एक मार्क में 20 नंबर आने वाले हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका है भैया एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो एक मार्क वाले आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर हो गए। 3 मार्क वाले आपके क्वेश्चन आएंगे 4, ठीक है, 3, 4, 12, ये हो गए 12 नंबर। 50 से 75 वर्ड आपको इसमें लिखने होंगे। 4 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे 6, 6, 4, 24, 24 नंबर के क्वेश्चन यहां से आएंगे, 150 वर्ड का आंसर लिखना होगा। मान के चलते हैं अगर आपकी राइटिंग छोटी छोटी है तो आंसर शीट में 150 वर्ड 2.5 पन्ना, ठीक है, 2.5 या 3 पन्ना, आंसर शीट ऐसी होती है ना लगभग। फिर 6 मार्क वाले क्वेश्चन देखे जाए तो 200 वर्ड और 4 क्वेश्चन आएंगे, 6 चौक 24, अगेन ये 24 नंबर का हो गया तो 80 नंबर का। यानी कि इस वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली है पेपर पैटर्न की, टॉपिक वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा नंबर्स का और कितने नंबर के किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, केस स्टडीज आएंगी, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसकी भी बात हमने कर ली है। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे आपको पूरी पढ़ाई करवाई जा रही है कॉमर्स अड्डा पे, तो वो वाली वीडियो जाके देख लो,
प्लेलिस्ट खोल लेना, पार्ट्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, वन शॉट्स आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। एंड ये तैयारी करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सैंपल पेपर हम लोगों ने कराई दिया है, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर हम आपके लिए लेके आई रहे हैं, एमसीक्यूज आपके लिए लाई रहे हैं, इसके अलावा वायरल सीरीज आपके लिए ला रहे हैं, उसमें आपको मैं केस स्टडीज पढ़ा रहा हूं कि डेली डेली हम आ रहे हैं और एक एक चैप्टर की केस स्टडीज पढ़ रहे हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी केस स्टडी खत्म। तो यार ऐसी सारी अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ, और देखते रहना है हमारी वीडियोस को, सेशंस को शेयर कर देना है, ठीक है यार। तो चलो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइडेंस जो है वो इस चैनल पे ही मिल रही है, तो आपको इसी चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को एंड सेशन को शेयर कर देना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।